द्रविड़ ने माना। खेलना बंद करने के बाद कपिल की सलाह से पसंद का फील्ड चुना। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा कि दिग्गज ऑलराउंडर कपिल देव की सलाह ने उन्हें संन्यास के बाद विकल्प तलाशने में मदद की थी, जिसके बाद उन्होंने इंडिया ए और अंडर 19 की कोचिंग पद की जिम्मेदारी संभाली। द्रविड़ ने कहा कि वह थोड़े भाग्यशाली भी रहे कि अपने करियर के अंत में वह इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स में कप्तान सह कोच की भूमिका निभा रहे थे। 47 साल के द्रविड़ ने भारतीय महिला टीम के कोच WUV रमन के उनके यूट्यूब चैनल इनसाइड आउट में कहा, खेलना बंद करने के बाद बहुत ही कम विकल्प थे और मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, तो कपिल देव ही थे जिन्होंने मुझे सलाह दी और ऐसा मेरे करियर के अंत के दौरान ही हुआ था। उन्होंने कहा, मैं उनसे कहीं मिला और उन्होंने कहा, राहुल सीधे जाकर कुछ मत करो, पहले कुछ समय सिर्फ देखो और अलग अलग चीज़ें करो और फिर देखो कि तुम्हें वास्तव में क्या पसंद है। मुझे लगा कि यह अच्छी सलाह है। इस महान क्रिकेटर ने कहा कि शुरू में उन्हें कमेंट्री करना पसंद आया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि वह खेल से थोड़े दूर है। द्रविड़ ने कहा, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा संतोषजनक लगती है वो खेल से जुड़े रहना है और खिलाड़ियों के साथ संपर्क में रहना थी। मुझे कोचिंग जैसी चीज़ बहुत पसंद थी और जब मेरे पास मौका आया तो मैं भारत ए और अंडर 19 टीमों के साथ जुड़ गया। उन्होंने कहा, मुझे लगा यह शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह थी और मैंने इसे स्वीकार कर लिया और मैंने अब तक इसका काफ़ी लुत्फ़ उठाया है। मुझे कोचिंग का फील्ड ज़्यादा संतोषजनक लगता है।